तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1.3 का जो बचा हुआ सवाल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट क्वेश्चन, वो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। समीकरण का एक मूल 1 है, तो समीकरण में ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो माना जो दूसरा मूल है, दूसरा मूल अल्फा है। ठीक है, दूसरा मूल अल्फा है और यहाँ पे पहला मूल दिया हुआ है 1। तो मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1, मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब बी की जगह पे क्या है, ए, यानी माइनस ए बाई ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1, ए बाई माइनस ए बाई 1। इसका मतलब हमारा आया क्या, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए माइनस 1। ये हो गया एक मान। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू 1, अल्फा इंटू 1। ऐसे मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3, और ए की जगह पे क्या लिखा है, 1। यानी यहाँ से क्या निकला हमारा, अल्फा बराबर 3 निकला। ठीक है, तो ये हमने, अगर मान लीजिए इसको समीकरण एक नाम दिया, इसको समीकरण दो नाम दिया, तो यहाँ पे समीकरण दो से हमें अल्फा का वैल्यू मिला है, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ये है, यानी दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 3, यानी माइनस ए इक्वल टू 4। हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, तो माइनस ए उधर जाएगा, तो ये ए प्लस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ लिखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, ए इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए लिखा है क्या, दो नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 6। समीकरण का एक मूल 2 होने से दूसरा मूल क्या होगा, निकालना है। ये दो नंबर का हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ही नंबर है, ठीक है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूलों का गुणनफल। ओके, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मूल दिया है 2, एक मूल है 2, और माना जो दूसरा मूल है एक्स है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, तो इसीलिए मूलों का गुणनफल यानी कि 2 इंटू एक्स बराबर होना चाहिए सी बाई ए। अब समीकरण में सी कहाँ है, 6 है, ए कहाँ है, 1 है, तो यानी 6 बाई 1। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 6 बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से कट गया 3, तो हमारा आंसर हो गया एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया। ऐसा ही दूसरा, ये तीन नंबर क्वेश्चन भी है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। समीकरण का एक मूल 2 होने से दूसरा मूल का मान निकालना है। बिल्कुल सेम सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मूल 2 दिया है, तो मान लेते हैं, माना दूसरा मूल x। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बाई ए। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल क्या होगा, 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे c बाई ए, समीकरण दूसरे में c बाई ए क्या है, 4 और 2, यानी 4 बाई 2, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे ये कट गया 2, तो 2 और नीचे ये वाला 2 आएगा, तो यहाँ से हो गया ये 1, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 1। तीन नंबर सवाल भी खत्म हुआ। अब देखते हैं अगला, चार नंबर क्वेश्चन। देखिए चार नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक सरल भिन्न और उसके प्रतिलोम का अंतर 9/20 होने से समीकरण लिखे। तो यहां समझिए सरल भिन्न और प्रतिलोम क्या होता है।
सरल भिन्न यानी कि एक ऐसा भिन्न जो x बटा 1, ठीक है, ये सरल भिन्न है, और प्रतिलोम यानी कि इसका उल्टा, ठीक है, और इसका प्रतिलोम यानी विपरीत क्या होगा, ये x by 1 है, यहाँ पे 1 by x होगा, इनका अंतर, इनके इनका अंतर बराबर ये है, तो समीकरण लिखना है, इनका अंतर यानी कि एक सरल भिन्न और उसके प्रतिलोम का अंतर, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 by x माइनस x इक्वल टू 9 by 20, ठीक है, बस इतना ही आंसर। नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 35, समीकरण के दोनों मूल माइनस 5 माइनस 7 हैं, तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बाई ए, ठीक है, मूलों का गुणनफल यानी कि माइनस 5 गुना माइनस 7, माइनस 5 गुना माइनस 7, सी कहाँ है 35, और ए कहाँ है, ए तो ए ही है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लेके चले आते हैं और ये नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर माइनस माइनस प्लस 7 पचे 35, यानी ऊपर 35 नीचे 35, तो ये क्या हो गया 1, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 हो गया, और अब बी का मान निकालना है, बी का मान कैसे निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे हम मूलों का योग करके, तो अब मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो मूलों का योग माइनस 5 प्लस माइनस 7, ये दोनों मूल हैं, इन दोनों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह तो बी है ही, यहाँ पे माइनस बी, और ए इक्वल टू क्या निकला 1, अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 7 12, माइनस 12 इक्वल टू माइनस बी, हमें निकालना क्या है, बी निकालना है, तो जगह बदल देंगे, बी को इधर 12 को उधर, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये जो है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 12, तो ये हमारा पूरा 1.3 चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में जो कि है 1.4, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।